आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज आप जहां भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, और शाम के जो अखबार हैं, जो निकल गए होंगे और जो निकलने वाले होंगे, उसमें अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? आज आप यही देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि राहुल गांधी आज संसद पहुंचे हैं। सदस्यता बहाली होने के बाद वो संसद पहुंचे हैं और अब अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा होने वाली है, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जो चल रही है, उस पर विपक्ष के लोगों का कहना है कि हमको अविश्वास हो गया है। उस पर जो चर्चा होनी है, पहले तो ये था कि सदस्यता बहाली होगी या नहीं होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। बहुत सी जनता इनसे पूछेंगे कि अविश्वास मतलब क्या होता है, और इनसे पूछेंगे कि राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा जब होगी तब, यानी कल होगी, लेकिन अभी किस बात की चर्चा हो रही है? अभी किस बात की चर्चा हो रही है? राज्यसभा में, लोकसभा में हो चुकी है दिल्ली सेवा बिल, यानी दिल्ली का असली मालिक कौन, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बिल है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पार्टियों के पास पहुंचे थे और कहा था कि भैया ये राज्य सरकार को खत्म कर देंगे, ये सरकार वाले, बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है, ये हमारी आपकी शक्ति छीन लेंगे, आइए मेरा साथ दीजिए। लेकिन चूंकि संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के पास बहुमत है, ऐसे में आप केवल दुख व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे में आप केवल अपनी बात रख सकते हैं, दिल्ली सेवा बिल तो पास हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस बात की चर्चा अभी संसद में हो रही है, उस बात की चर्चा हमें भी करना चाहिए जनता जिंदाबाद में। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आपको अब बता देता हूं कि क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्रमुख बिंदु कौन से हैं। भाई दिखा दीजिए फुल स्क्रीन में, मैं भी जनता को बता देता हूं कि आखिर जनता जिंदाबाद इस मुद्दे पर हम क्यों कर रहे हैं। देश की राजनीति पर अधिकार का सबसे बड़ा विवाद है ये, इसलिए चर्चा जरूरी है। दूसरा बिंदु क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट कर लाया गया बिल है ये। लोकसभा से बिल पास है, राज्यसभा में पास हो जाएगा, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, और अमित शाह ने विपक्ष में फूट की भविष्यवाणी की है, ये बहुत बड़ा मसला है। और अंतिम प्रमुख बिंदु ये है कि दिल्ली पंजाब के कई कांग्रेस नेता आपके साथ नहीं हैं। ताजा विवाद क्या है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन क्यों कह दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि भैया सुन लीजिए महागठबंधन वालों, ये बिल जैसे ही पास होगा केजरीवाल कहेंगे बाय बाय नमस्ते। तो क्या हो रहा है संसद में, पहले इस बात को आप समझ लीजिए, उसके बाद जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए, विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री। एक म्यान में दो तलवार नहीं है ये केस, म्यान भी एलजी के पास है और तलवार भी केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री एक कोने में खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। वैसे भी मैं बता देता हूँ विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है, तो जो सच है वो करिए। वो जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, पत्थर सा सनम, क्या है आप ही बताएंगे अनुजा जी, क्योंकि बीजेपी से आई हैं आप, तो आप ही बताएंगे। तो आप ही सबसे पहले नमस्कार कर लीजिए, मोबाइल बाद में देख लीजिएगा। बीजेपी से अनुजा कपूर हैं प्रवक्ता, आपका जनता जिंदाबाद में स्वागत है। इसके साथ ही सूर्या मैथिल अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे तो वो भी नमस्कार कर लेंगे। रमनीत वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर राकेश गोयल हैं। इस कोने में दूसरा कोना क्यों पकड़ लिया है आपने, लड़ने में आसानी होती अगर अगल बगल होते तो। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। राहुल लाल हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मोहम्मद आसिफ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अकील खान साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आरपी शर्मा साहब हैं कवि।
तो पहले तो मैं कविता पाठ ही करा लेता हूँ। इंडिया गठबंधन पर कुछ लिखा है आपने? महागठबंधन पर कुछ है? बिल विल आ रहा है, उस पर बात करेंगे। बहुत जनता है हमारे साथ, जनता के लिए ताली एक बार जनता खुद बजा दीजिए भाई। जनता जिंदाबाद है ये। अरे दुर्गेश थोड़ा तेज दिखाओ, नहीं ताली बंद हो जाएगा तो कैमरा घुमाने से क्या मतलब है। ये दुर्गेशवा हमारा थोड़ा डाउन हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हैं? माफ कर दीजिएगा आप लोग। कर दिए हैं, माफ कर दिए हैं कि नहीं है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। समझ गए, ये समझ गए, इसलिए चौपाई में आ गए। दुर्गेश माफी मिल गई है, अब थोड़ा तेज घुमाना इसे। हाँ बताइए क्या लिखे आ रहे हैं। मोदी जी जब राजपथ को कर्तव्य पथ बना रहे थे तो राहुल जी पथ पर कर्तव्य करते नजर आ रहे थे। अच्छा, राहुल जी बोले शर्मा जी मोदी जी सबको क्या भाग गए, हम तो कतई सड़कों पर ही आ गए। पर मैंने तो संसद आ गए वापस, आ गए। लेट लिखे थे आप ये, अभी जो है देखिए संसद में आ गए राहुल गांधी, इस पर भी कुछ बोलिए आप, इंडिया के ऊपर बोल रहे हैं तो है। राहुल गांधी कम बैक हो चुका है सबों के, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी साजिशें रची उनको रोकने के लिए, उन सारे साजिशों को तोड़ के टीम इंडिया लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और सुनिए सुनिए, इतना रेस मत हो जाइए। संसद पहुंचे 10-25 रुपये का मिठाई लाए हैं। अरे 140 करोड़ की जनता बिल्कुल खुश और मिठाई खा रही है, और कहिएगा मैं अगले कार्यक्रम में लेके भी आ जाऊंगा। अनुजा जी आप कह रही थी कि कुछ लड्डू वड्डू बटवाओ, नेता आप संसद पहुंच गए हैं और देखिए ये कह रहे हैं जनता 140 करोड़। अभी भाषा बोल रहे हैं राजनीति। घमंडियों का महागठबंधन है ये, घमंडियों का महागठबंधन है ये, और ये यही चाहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे, फ्री भी। अब फ्री भी में भी देखो मिठाई लेकर नहीं आए। कर्नाटका में फ्री भी करते आम आदमी पार्टी के साथ देख कर आप लोगों ने कर्नाटका भी बैंड बजा दिया, दिल्ली का तो बैंड बज ही चुका था। तो जो इनका क्रैश कोर्स, ये घमंडियों का महागठबंधन जो चल रहा है वो क्रैश कोर्स इसी चीज का है। करप्शन कैसे करना है, कहाँ पर शराबों की दुकानें खोलनी है, कब पैसा निकालना है, कब कौन से स्कैम से करना है, वो यही सबसे बड़ी बात है। संसद में बहस चल रही है, राज्यसभा में, और बहुमत के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बिल पास हो जाएगा। और दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो विवाद था, छोड़ दो यार। हाँ बोलो ज्ञानेंद भाई, आप समझिए कि ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी राज्य की लड़ाई नहीं, आज फवाल हिंदुस्तान के लोकतंत्र बचाने की है। आज जो संविधान को तार तार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संविधान तार तार कहाँ हुआ अभिषेक? मैं इंटरप्ट तो नहीं किया, मुझे बोल लेने दीजिए। तो पूछेंगे यार गुरु, मुझे खुद भी दर्द है और आहत हूँ। मैं इसलिए आहत नहीं हूँ, इसलिए दुखी नहीं हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ और दिल्ली का वोटर हूँ। मैंने भी वोट दिया है। दिल्ली के जनता का अधिकारों का आज हनन हुआ है। आज आप बताइए, जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर जनता को रिस्पॉन्सिबल होता है। आज यहाँ पे फारा के फारा खत्म करने का प्रयास करें, आज आप क्या करें? 1977 से लेकर और 2015 तक भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के नेता लालकृष्ण आडवाणी, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा इसलिए बिल आया। क्या भ्रष्टाचार? किस चीज का भ्रष्टाचार आप करें? उन्हीं भ्रष्टाचारियों की बात, उन्हीं अजीत पवार से लेकर के हेमंत विश्वकर्मा, शुभेंदु अधिकारी से लेकर नारायण राणे तक अपने पार्टी में शामिल। बोलने दीजिए, आ रहे हैं। देखिए प्रवक्ता है, हमारे गेस्ट हैं भाई, हमारे अतिथि हैं। बोलने दीजिए, अभी आप लोग के पास आ रहे हैं, जनता जिंदाबाद है। आ रहे हैं। उन्हें भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर के उनको बड़े बड़े मंत्रालय दे रहे हो, बड़े अजीब बात है। जिस घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी करे तो उसी का मंत्री अजीत पवार को बना दिया। अच्छा ठीक है, अखिल इनका ये दोगला चरित्र है। आ रहा हूँ, आ रहा दूंगा मैं इनको कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप बताइए, आप जब 2013 में रामलीला मैदान में आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से मैं गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी चोर और भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी आज जनता आपसे पूछ रही है, आप तो बड़े बड़े वादे करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने 73 साल में कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन आप 73 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ चुप गए। जवाब दीजिए भाई। हाँ आ रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों का, जल्दी बोलिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, इनको समझ नहीं, एक अल्पमत सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है। 2013 में हमने कोई गठबंधन हमारे अल्पमत में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ कि जिसको चक्की बीफिंग करके 5 दिन पहले जिसको बोला 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसी को अपने
पार्टी में ला करके मंत्रालय दे दिए। भ्रष्टाचारियों का हद से गुजर जाना होता है भाजपा हो जाना। ये घमंडी पार्टी, ये घमंड घमंड करने वाले, इनको घमंडी मत कहिए जनता। घमंडेंद्र मोदी, ये दंगे दंगेंद्र मोदी, इन्होंने देश के अंदर दंगा फैला दिया है और घमंड कर करके देश को बर्बाद कर दिया। ठीक है, बर्बाद देश में रह रहे हैं आप, इतना जो चिल्ला रहे हैं गजब करते हैं। बर्बाद हो ही चुका है, कहां बर्बाद हुआ है? आप तो रोज जैकेट बदल बदल के बर्बाद हो चुकी है। ये जो 28 इतना गठबंधन है, जो फर्जी इंडिया, ये बर्बाद हो चुका है। अभी आप आबाद, मैं तो जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो अचानक अमित शाह कह रहे हैं कि टूट जाएगा इंडिया, टूट जाएगा, उनको कह दे कि इंडिया तो एक टूट है। रमनी अपनी बात कही, फिर आ रहा हूँ जनता। स्पेशल 26 पार्टियों का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है ये। फिर इसके बाद कट्टर ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल, जब कट्टर भ्रष्ट के साथ जब आप मिल गए, तभी से आपका पता निश्चित। और काले कौवे का जब साया राघव चड्ढा के ऊपर जब मंडरा रहा था, तो तभी से लग गया कि काला साया आपके ऊपर पड़ने वाला है। और 2024 में ये परिणति अरविंद केजरीवाल। लेट आए हैं, जनता से माफी मांग लीजिए। मुझे माफ कीजिएगा, दिल्ली की सड़कें बहुत गड्ढे वाली हो रही हैं, इतना जाम लगा हुआ है, माफ कीजिएगा, मैं लेट आया हूँ। माफ कीजिएगा मुझे। दूसरी चीज, आज दिल्ली को एक बार फिर से सर्जरी की आवश्यकता थी, जो सर्जरी आज राज्यसभा में होने जा रही है। जिस प्रकार से दिल्ली की नगर निगम को एक करने के बाद दिल्ली की नगर निगम सही हुई है, कॉस्ट कटिंग हुई है, उसी प्रकार दिल्ली में होने वाली चोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार जो है वो बिल ला रही है। यही सर्जरी इन्होंने नागलोई पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं किया? 40% सरकार पिसिंग करने वाले, ये दूसरे को ज्ञान देते हैं। जनता, मैं राज्यसभा वाले दिल्ली से बात करूंगा, अध्यादेश से बात करूंगा पहले केजरीवाल जी के लिए। जल्दी कर, आज कल हुजूर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हराना मकसद है मोदी को, केजरीवाल हराना मकसद है मोदी को, दुश्मनों के सिर चूम रहे हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, अध्यादेश का लाना जरूरी क्यों था? 2018 में चीफ सेक्रेटरी को 11 MLA उनके मंत्री से पिटवाया गया था और उसकी FIR हुई थी, इसलिए जरूर। एक सेकंड, हमसे क्लीन चिट मिला है, ये क्या चलवा रहे हैं? कोर्ट से क्लीन चिट मिला, ये तो ना तो संविधान मानते हैं ना कोर्ट मानते हैं, इसीलिए संवैधानिक पीठ के निर्णय को इन्होंने अध्यादेश ला करके पलट दिया। आज इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, इनके पूर्व। ठीक है, जनता, गलत बयान ही नहीं, गलत प्रवक्ता, गलत बात नहीं, वो प्रवक्ता है तुरंत। इनके सांसद कौन? संजय सिंह सभापति के ऊपर पर्चे फाड़ के फेंकते हैं। दूसरे सांसद सुशील कुमार आ रहे हैं आपके पास, आप बोलिए अध्यादेश पर, बोलिए जो राज्यसभा में चर्चा हो रही है। सूर्या भाई आ रहा हूं। वे हार की खुशी पहले मना रहे राहुल गांधी जी, पहले आज ढोल डंगर डीजे बज रहे, इन चोरों को भगाना है, सारे चोर एक जगह हो चुके, देश को लूटने का काम तो पीछे करवाओ। नफरत की बात कर रहे तो विपक्ष के लोग कर रहे, 400 को पार करेंगे नरेंद्र मोदी जी इंशाल्लाह, फुल बहुमत के साथ जिताकर भेजेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अच्छा, ये दिखा देंगे 2024 में मुसलमान भी जाग चुका, जागरूकता आ चुकी है, इस बार मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके देश का विकास किया है, भ्रष्टाचार क्राइम खत्म किया, ये सारे चोर एक जगह हो चुके, इनकी दुकान में राशन खत्म हो चुका, अब राशन है वो नरेंद्र मोदी जी की दुकान में, इन जनता जान चुकी है, जनता बहकेगी नहीं, इन चोरों के बहकावे में नहीं आएगी, अब जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इंशाल्लाह 400 को पार करेंगे, हर गढ़ से जिता कर भेजेंगे। कहाँ से आए हो आप? जहाँ जहाँ मुस्लिम के गढ़ है वहीं से सांसद को हम जिता कर भेजने का काम करेंगे। ये मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जाग चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने जगाने का काम किया है, ये सो रहा था, 75 साल से हमारे साथ अत्याचार किया गया है, जुल्म किया गया है, वो कांग्रेस के लोगों ने किया है, वो सारे विपक्ष के लोगों ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज हमें रोजगार। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। एक बार और आए थे क्या जनता जिंदाबाद में? मैं आया था आपके पास। बीजेपी कार्यकर्ता हो क्या गुरु? देखो जो विकास या देश के, आप यही रटा रटा बोलते हो, सच्चाई नहीं, जनता जनार्दन है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ऐसे ही बोले थे, समझ गए। इनसे सुनिए, 5,000 बिजली का बिल आया और 4 लाइनें हैं आम आदमी पार्टी के लिए, दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था और हर रोज घोटाले थे, ये घोटाले बाज, शीश महल घोटाला, मत घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, यमुना नदी घोटाला, सड़क घोटाला, आर आर
टीसी को डाला, जनलोकपाल बिल क्यों नहीं किया ये बताइए। जनता 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 शीश महल घोटाला गठबंधन नहीं है, ठगों का गठबंधन नहीं है पूरा केजरीवाल का। ये भैया कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ भैया जी। अभी भागते भागते आए और इन्होंने बोला यूपी की दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं। तो 7 सांसद दिल्ली ने आपको चुन के दिए, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? और राहुल गांधी पे कहना चाहूंगा कि ना मैं गिरा ना मेरे हौसलों के मीनार गिरे, और मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। एक बार भी नहीं गिरे। राहुल गांधी की ये बात कर रहे हैं। अरे मेरे देशवासियों, वो आ गए हैं जो कहते थे मकसूद अजहर जी, जो उसामा बिन लादेन को जी का करके एक आतंकवादियों को जी का करके बुलाने वाले पाकिस्तान परस्त पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात, पंडित नेहरू जी ने चंद्रशेखर आजाद ने शहीद हुए हैं, देश के लिए सरदार भगत सिंह शहीद हुए हैं, ये कुर्सी वाले हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को गद्दार क्यों बोल रहा हूँ, पाकिस्तान परस्त क्यों बोल रहा हूँ? राजा हरि सिंह कश्मीर में राज्यसभा बिल आया, बिल इसलिए आया कि देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने खास तौर पे 2 के आंकड़े में जब भाजपा को न्याय दिया, अमित शाह जी बौखला के जब कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ अध्यादेश लेके आए। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो सरकार के ऊपर डकैती डालना चाहती है, चुनी हुई सरकार के ऊपर। ऐसी सरकार को बने रहने का हक नहीं है। देश की जनता मालूम है किस तरीके से अत्याचार है 24 में। चलिए सुनिए, लगातार हम ट्विटर में आपसे कह रहे हैं कि आप आइए एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाइए, और हम एक सवाल हमने पूछा है कि क्या ये जो दिल्ली सेवा बिल है, इस बिल में करारी शिकस्त होने के बाद क्या केजरीवाल .. वाले इंडिया से अलग हो जाएंगे? आप जाइए एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर और अपना जवाब दीजिए, उसके बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो हम दिखाएंगे शो के अंत में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया कि इस बिल के पास होने के बाद बाय बाय कर देंगे केजरीवाल? क्या लगता है आपको, बताइए, क्या जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही है? अमित शाह मूंछ का बाल और केजरीवाल पूंछ का बाल। लाइन में खत्म कर दिए, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। हाँ भाई बताओ, अपनी बात बोलो। देखिए, केजरीवाल जी इंडिया के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बात का विषय है, लेकिन 29 लोगों की टीम है तो शायद मतदाता डर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन पाए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ 2 पंक्ति में कि अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं सजोया सपना तुम हरगिज मत खोने देना, और लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने, मोदी जी के बाद आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कविता कंटिन्यू कर लो, भाषण काहे दे रहे हो, अच्छा तो बोल रहे। अपने स्वयं सजोया सपना तुम हरगिज मत खोने देना, लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चल कर खुद आएंगे, शर्त एक है कि बस अपनी हिम्मत मत खोने देना। हाँ चलिए बताइए, एक सेकंड। हाँ बोलिए, एक सेकंड रुक जाओ। ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अगर इनसे कुछ पूछा जाए एक बात घुमा देते हैं। मैं इनसे बस यही बोलना चाहता हूँ, जनता ने आपको चुन के लेके आया, आप फिर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। हमें सबसे ज्यादा निराशा आप लोगों से है, क्योंकि हमने भरोसा किया था आपसे कि आप कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलेंगे, मगर आप उन्हीं के काले चिट्ठे में शामिल हो गए। अरे तो मोदी जी को हराना है तो सबको साथ में आना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पता नहीं क्या क्या होने वाला है, और इससे पहले दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव है, और जब चुनावी मौसम हो तो फिर आप जानते हैं कि बयानों से लेकर दावे वादों तक नेता ये कहने लगते हैं कि बस हम ही हैं जो आपका क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, और आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो जनता को एक बार दिखा दीजिए दुर्गेश साहब, घूमकर जनता जिंदाबाद में जनता को दिखा दीजिए। आप लोग सब एक बार अपने अपने आप हाथ उठा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ही आने वाला हूं, अब जनता की बारी है। लेकिन पहले नेताओं से 30-30 सेकंड का रिएक्शन ले लेता हूं, और ये पूछ लेता हूं, आपके पास आ रहा हूं,
ये पूछ लेता हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन से केजरीवाल अलग होने वाले हैं? ये तो अमित शाह जी को दिखाई दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर के ऊपर कमेटी बनाई, सरकार नाकाम साबित हुई भाजपा की मणिपुर के अंदर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ी। सरकार बिल्कुल भी किसी भी एंगल से कुछ करने को मणिपुर में राजी नहीं है, हाथ उठा दिए। किस तरीके से हथियार लूटे गए, किस तरीके, ऐसा मत बोला करिए। एक सेकंड, सरकार आप जो बोल रहे हैं, आपका मैसेज ये है कि सरकार ने कहा कि जाओ आग लगा दो। सरकार क्यों नहीं संभाल पाई अभी तक, और 3 महीने से ऊपर हो गए, किस तरीके से बलात्कारियों के साथ सरकार सपोर्ट कर, एक भी भाई क्यों नहीं संभाल पाए आप? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि संभाल नहीं पाए, यही संभालने वालों के टाइम पर मणिपुर कौन से टाइम पर जल रहा था? जब कांग्रेस था, कांग्रेस के टाइम से ये जल रहा था। मिजोरम के अंदर, मिजोरम से मणिपुर में 40,000 इन लोगों ने घुस बैठिए बिठाए और वो आज तक हिले नहीं। और आज ये बात करते हैं, इन लोगों ने चाइना के साथ मिलकर वहाँ पे मणिपुर के अंदर कांड करवाए। ये इन लोगों के कांग्रेसियों के हाल, और कांग्रेसी राहुल गांधी नेपाल में जाकर चाइनीज एम्बेसडर से जाकर मिलेगा, चाइनीज लोगों से जाकर मिलेगा। मणिपुर में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से ही कांड हुआ। पूछिए कहाँ से आ रहे हैं लोग, कहाँ से इन लोगों ने करवाया है? आप पूछिए कि वहाँ पर भड़काऊ जो ये ममू है करके नाम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस मुद्दे पे आते हैं, अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे, एनसीटी अमेंडमेंट बिल जो लाना चाहती है अरविंद केजरीवाल, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो तानाशाही करना चाहते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है मोनोपोली चला रहे हैं, मोनोपोली के हिसाब से वो चलाना चाहते हैं दिल्ली को। सुनिए, जैसा कि ब्यूरोक्रेट्स खुद रहे अरविंद केजरीवाल, आपको नहीं पता ब्यूरोक्रेट्स की स्थिति क्या है और कैसे करके, कैसे बन करके आते हैं? आप क्या चाहते हैं यहाँ पे दिल्ली में मनमानी चला करके आप क्या साबित? देखिए, 2.5% का कमीशन क्या? एक सेकंड, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से जवाब ले लेते। अरे रमनीश भाई, माइक हट गया तो काहे आप लाउड स्पीकर ऑन किए हुए? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन से, जो अमित शाह ने कहा है, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या अलग होने वाले हैं केजरीवाल? बहुत बड़ा सवाल उठ गया। फिर इंडिया का गठबंधन हुआ है अमित शाह से लेकर मोदी तक, सबके पेट में दर्द हो रहा है कि इंडिया के आने से भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट होने वाला, वो जाने वाले नंबर एक। नंबर दो, ये हम कह रहे थे हम लोग फुपारी जैसे पार्टी हैं, ये वो फुपारी पार्टी है जिसके डर से जनता अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा आ रहे हैं। ये वो फुपारी पार्टी है ज्ञानेन भाई जिसके डर से अरविंद केजरीवाल फोबिया बिल लाना पड़ा। ये वो फुपारी पार्टी है जो 25 सालों में 6 बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का धूल चटाने काम कोई कार्य कर, फुपारी पार्टी आम आदमी पार्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। पिछले 9 सालों से जो के पास पिछले 9 सालों से ये जो घमंडेंद्र मोदी और ये दंगेंद्र, दंगेंद्र से बाहर आइए भाई, कुछ और कुछ नरेंद्र मोदी ना तो है, उनके पॉलिसी यही है, उनकी नरेंद्र मोदी जी के नाम के संग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर मैं शुरू हो जाऊंगा तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली को लूटा, गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए। देखिए, 9 साल के अंदर पटाक्षेप होने वाला है, 11 लाख करोड़ का लोग बार पूछेंगे भ्रष्टाचार जो किया है कोरोनी कैप्रेस को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस आज कर्नाटक के मंत्री आए थे, अरे रुक जाओ, कर्नाटक के मंत्री आए थे मोहल्ला क्लिनिक देखने और कह दिए कि यहाँ तो भीड़ ही नहीं है, आए थे और निराश हो गए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फिर तो टकराव की स्थिति बनी रही है। देखिए, ये सब कुछ प्रारंभिक स्थिति है, कोई टकराव की स्थिति नहीं है। एनडीए में 38 दल शामिल थे और एनडीए के 38 में से एक दल कुकी पीपुल्स अलायंस बाहर जा चुका है। अमित शाह जी लगातार ध्यान देते रहे, अमित शाह कि हमारा हमारा जो है कि वो टूटने वाला है, इंडिया टूटने वाला है। लेकिन देखिए, देखिए, केजरीवाल अपना सेमीफाइनल हार रहा है, उसको सेमीफाइनल हारने की वजह से मानसिक विक्षिप्त हो गया। अरे भाई सुनिए, 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 नारेबाजी और ऐसे भीड़ में हल्ला करेंगे, कैसे बहस होगी, कैसे चर्चा होगी, बताइए। हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मोदी जी के नाम का अपमान किया तो जनता भड़क गई, जनता ने केजरीवाल की असलियत बता दी। एक मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, ये इनका चाल चलन चल रहा है, इनका चेहरा निकल गया। आप लोग शो में आइए, ऐसे चीखा चीखा। ए सूर्या भाई, ना 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 ना, ये छोड़ने वाले लोग हैं, कैसे लौट रहे हैं? अरे राकेश भाई, ना 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 ना, ऐसे ऐसे बहस नहीं होती, ऐसे बहस नहीं, ऐसे बहस नहीं, ऐसे बहस नहीं होती। पीछे करो आप सबको, आप पीछे करो, ना 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 ना, ऐसे बातचीत नहीं होती, ऐसे बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे पचे। लेकिन सुनिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर है, चूंकि संसद से जुड़ा हुआ मसला है,
और संसद से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए बताना पड़ेगा। विश्वास पर क्या ब्रेकिंग है भैया, ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। खबर ये है कि कल 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा से पहले कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। अब आप समझिए कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और इस तरह से सरकार को घेरा जाता है, तो फिर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, अपनी अपनी तैयारियों के लिए बैठक करते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो संसदीय दल की बैठक होगी, ये खबर आ गई है, और कल 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होना है। जनता सर, कांग्रेस से एक सवाल है कि ने सरकार बनने से पहले इंडिया के चार टुकड़े लगा दिए डॉट बनाकर, सरकार बनने के बाद ये क्या करेंगे इंडिया का? बस इतना ही सवाल। क्वेश्चन ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये सब, लेकिन ये बताओ केजरीवाल ही वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं और उन्हीं के विपक्ष में लड़ने के लिए तैयार हैं। आज ये दुर्भाग्य की बात है, नेता टाइप नहीं, आदमी टाइप, आम आदमी टाइप कि नेता लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे की हड्डी खाने का। तो ये राजनीति बोलोगे, आए का बाएं बोल रहे हैं। हाँ हाँ बताओ चाचा। मैं ये आम आदमी वाले भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने गरीब आदमी की सरकार बनाई थी और उन्होंने ही गरीब को लूट के शीश महल बना दिया, अब उनको घर कौन देगा जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए हैं? उनको भी तो स्टूडेंट है क्या जी सर? ये डिबेट किस चीज पे, आप ये बताइए हमें पहले। सामने आओ। ये डिबेट इस चीज, एक सेकंड रुको यार, कोई तो मिला है बड़े मुश्किल से सवाल जवाब करने वाला। अनुजा जी एक सेकंड आ रहा हूँ। ये विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल, अरे रुक जाओ चाचा बोल चुके हो, अरे अब तुम तैयारी कर लो, सच समर लो। हम ये कह रहे हैं आज डिबेट इस पर है कि लोकसभा में राज्यसभा में एक बिल पास होना है, पता है वो दिल्ली का, दिल्ली वाला ट्रांसफर पोस्टिंग वाला। तो वो बिल जब पास हो जाएगा राज्यसभा में, अभी चर्चा चल रही है, तो क्या केजरीवाल I.N. वाले इंडिया से अलग हो जाएंगे क्या? इस पर चर्चा हो रही है, तो आप बताइए कि जो महागठबंधन बना है कहीं केजरीवाल अलग तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अलग होना नहीं चाहिए, अलग अगर हो गए तो गलत है। अगर किसी संगठन में जुड़े हो आप तो उसमें जुड़ के रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हाँ, अगर वो तोड़ने की कोशिश करें मत टूटो, या तो रहो या मत रहो, यही है वो गठबंधन, अपने गठबंधन से जुड़े हो। जल्दी बोलो जल्दी। हाँ जी, ये हम अपने प्रधानमंत्री जी का अपमान इन चोरों से नहीं सहेंगे, ये गरिमा में रह के बात करें प्रधानमंत्री जी के उसमें, ठीक है ना? इधर बोलो इधर कोई जनता। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे कहां मिली, सारे तो बेरोजगार है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो मोदी जी की चाय पी के हाल है, योगी जी आएंगे काढ़ा पिलाएंगे तो क्या होगा इनका? 15 साल इधर आइए इधर नहीं, यहाँ वो हमारा नहीं है। केजरीवाल की जो बात कर रहे हैं, बीजेपी से नहीं सीना था, कांग्रेस से सीना था, फिर भी उसी के गोद में केजरीवाल चोर जो है वो बैठा जा करके। ऐसा नहीं बोली, ऐसा शो में मत, बिल्कुल चोर है केजरीवाल के भाई, अपमानित ऐसे अमर्यादित भाषा के बारे में। मैं सभ्य भाषा ये इन्होंने बोला, क्या बोला हमारा, जब उन्होंने सबको जितना भी नेता जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं इंडिया जी एक टीम बना दी उन्होंने, सो पहले डॉट कर दिया। डॉट का मतलब ये होगा कि हम जब मर्जी बाहर एग्जिट हो जाएंगे, डॉट का मतलब ये होगा हम सब पंजाब में। मैं आ रहा हूँ, चलिए उधर ऐसे में तो केजरीवाल सर मैं क्या करूँगा सर? सर मैं ऐसे में नहीं आऊँ, लोकसभा से बिल पास हो चुका है दिल्ली का, राज्यसभा में थोड़ा पीछे चलिए, लोकसभा से पास हो चुका है पूरे बहुमत से, अब दिल्ली का जब राज्यसभा में पास होना है तो चोर मसूरे भाई इकट्ठे हो गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये दिल्ली अधिवेशन का राज्यसभा में पास हो जाएगा और अदालत में एक नया कानून बनेगा, ठीक है? जिसकी जेब में गांधी, केजरीवाल उसके प्यार में आंधी। सर बोलना यही है कि केजरीवाल बोलता था कि मैं बच्चे की कसम खा रहा हूँ कि मैं लालू से गठबंधन नहीं करूंगा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, तो भाई ये सबसे गठबंधन करके क्यों आ गया? यही मेरा कहना है, क्योंकि मैं ये फ्लैट नहीं लूंगा, मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, ये बंगला नहीं लूंगा। वो केजरीवाल अन्ना हजारे के अनशन में कहा था,
अन्ना हजारे का इंसान में और भी क्षेत्र है ना, सिर्फ दिल्ली में बताए, यूनियन टेरिटरीज में और भी क्षेत्र है ना, लक्षद्वीप है। बोलिए, ये जो ये तमाम लोग बोल रहे हैं, इनको तो सबको यही लग रहा है जो अमित शाह बोले कि अलग हो जाएंगे इंडिया गठबंधन। मोदी जी ने इन सबको एक बहुत सुंदर नाम दे दिया है। अभिषेक भाई, जवाब आपसे लूंगा। नाम दे तो दिया, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था घमंडिया। अब ये घमंडिया लोग हैं जो घमंडियों ने महागठबंधन कर लिया है, सब जानते हैं। ये पॉपकॉर्न की तरह टाइम टाइम पर उछलने वाले लोग हैं, जो हमेशा जिनका कोई आइडियोलॉजी। इंडिया का मतलब मैं बता देता हूँ, इंडिया मतलब भारत को जोड़ने वाले लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाले लोग, बेरोजगारी को दूर करने वाले लोग, और ये जो है 38 की गठबंधन है प्लस ईडी और सीबीआई। चलिए चलिए चलिए, 40 मतलब समझ रहे हैं अली बाबा, 40 वो गठबंधन है एनडीए का। अच्छा चलिए, मैंने आपसे कहा था कि आप, मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि आप जो हमने सवाल पूछा है कि क्या इंडिया गठबंधन से इस बिल पास होने के बाद वो अलग हो जाएंगे, आप ट्वीट करिए, हम आपके सवाल को आपकी प्रतिक्रिया को शो के अंत में बताएंगे दिखाएंगे। किन किन लोगों ने कमेंट किया, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, आप ही से नमस्कार करवाऊंगा, लेकिन सुन लीजिए किन किन लोगों ने कमेंट। सोनल है, वो लिखती है कोई भी आरोप लगाकर केजरीवाल बिल्कुल अलग हो जाएंगे और बिल पास हो गया तो, ये सोनल लिख रही है। आशीष मिश्रा आर्यन लिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही राज्यसभा से दिल्ली से वो बिल पास होगा, वैसे ही इंडिया गठबंधन से केजरीवाल भी पीछे के रास्ते से पास हो जाएंगे, वो लिख रहे हैं। इसके अलावा आशीष मिश्रा क्या लिखते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही राज्यसभा, हाँ ये उनका मैसेज मैंने पढ़ दिया है। इसके अलावा विनोद कुमार शर्मा लिखते हैं एनडीए अंडर 50 सीट इन 2024 इलेक्शन, ठीक है। आशुतोष शरण लिखते हैं मेरे हिसाब से केजरीवाल जी के लिए विपक्षी गठबंधन में रहना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके उन्हें दिल्ली की सीटों में नुकसान हो सकता है। जल्दी से बोल दीजिए, उसके बाद मुझे नमस्कार कर। एकता ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, देश को परतंत्र बनाया था, एकता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसने इस देश के अंदर सीपर सैर फैलाए थे, एक है इंडियन मुजाहिदीन जिसने इस देश के अंदर बम ब्लास्ट किए थे, और एक ये I.N.I. ये मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दे दीजिए, कल किसी नए मुद्दे के साथ एक बार फिर करेंगे जनता जिंदाबाद। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।